तो हेलो का सबको स्वागत है अपने वीडियो में। देख सकते हैं आज हम आए थे बाथरूम में फिटिंग करने, तो हमने सोचा कि आपको भी बता दें कि बाथरूम अंदर क्या क्या लगाना चाहिए, क्या क्या नहीं लगाना चाहिए। तो इससे पहले निश्चिंत होना चाहिए कि हमको क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। तो आइए चालू करते हैं, इससे हमारा समझ बच जाएगा। तो वीडियो ज़रूर देखें, अंत तक देखें। तो सबसे पहले हमने देख सकते हैं वॉल हैंग कमोड लगा रखी है दीवार वाली, ताकि इसमें स्पेस कम हो और अच्छा इसमें प्रेशर आए। इसके लिए हमने 1.5 इंच की पूरी लाइन दे रखी है। ये हमारा गीजर का पॉइंट हो चुका है, देख सकते हैं ऊपर गीजर का पॉइंट हो चुका है। और ये इसके कमोड के पास जो दो नल आएंगे, एक में जेट लगेगा एक में शावर, तो वो उसका पॉइंट दे रखा है। और ये हमारा डाइवर्टर बॉडी हो गई है और ऊपर ओवरहेड शावर हो गया है। तो ये देख सकते हैं ये स्पॉट का पॉइंट है, इसमें गर्म ठंडा पानी आएगा। डाइवर्टर बीच में हो गया और ऊपर ओवरहेड शावर हो गया। ये हमारा बोरिंग का पॉइंट है, ताकि ठंड में गर्म पानी आ जाए, इसलिए हमने देख सकते हैं लाइन दे रखी है इसके अंदर। और मेनली हमने 1.5 इंच का इसके अंदर कंट्रोल वाल्व भी लगाया है, ताकि हमको पानी बंद करना हो तो हम यहाँ से बंद कर सकते हैं, ऊपर टंकी तक नहीं जाना पड़े। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं बेसिन का पॉइंट आ चुका है हमारा, और ये हमारा वॉशिंग मशीन का पॉइंट हो गया है, ताकि वॉशिंग मशीन एक साइड में रहे, इसके ऊपर छींटे नहीं आए नहाने के समय, तो हमने एक तरफ पॉइंट बनाया है। तो ये हमारी वॉश मशीन की ट्रैप हो गई है, जिसमें वॉश मशीन का पानी सीधा हो जाएगा, वो हमारे नहाने का एरिया का पानी चला जाएगा और ये हमारे कमोड के एरिया का पानी चला जाएगा। तो इसमें भी देख सकते हैं हमने यहाँ टेबल टॉप का पॉइंट दिया है, यहाँ टेबल टॉप का वॉश मशीन लगेगा। और ये हमारा यहाँ पर गीजर का पॉइंट है, ये डाइवर्टर का पॉइंट है, सेम पॉइंट डाइवर्टर का, पर इसमें बोरिंग का नल नहीं दिया। और ये हमारा कमोड का एरिया हो गया और यहाँ पर वॉश मशीन। तो वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।